शादी होती है और कुछ ही दिन गुजरते हैं, स्किन झुर्राने लगती है, मींस के रिंकल्स नुमाया होने लग जाती हैं आइज के नीचे, माउथ के अराउंड। आपके भी ऐसा होता है? क्योंकि असल में ये ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि शादी के बाद हम अपने ऊपर तवज्जो देना छोड़ देते हैं, इसलिए स्किन बेढीली सी, अजीब सी एंड बेजान सी होने लग जाती है। सो अपने लिए भी टाइम निकाला करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम भी बहुत हार्ड वर्क करते हैं, पर टाइम निकालना चाहें तो निकाल लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम, आई एम फजीला एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज जो रेमेडी मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना, ये इन रिंकल्स के लिए और स्किन टाइटनिंग के लिए कम माल कवर करेंगे, मतलब फर्स्ट यूज़ में ही आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपने लेना है और इंग्रेडिएंट भी ना बहुत कम है, मतलब काम करते करते ही आप इसे बना लोगे, एंड अगर चाहें तो, वरना अगर लेजीपन दिखाएं तो कुछ नहीं कर सकते। आपने एक क्यूकम्बर को लेना है, उसे कट करना है, एंड इसे अब हम करने वाले हैं ब्लेंड। क्यूकम्बर आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट सकता है, क्योंकि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जिससे आपकी स्किन पूरा दिन हाइड्रेट रहती है एंड तरोताज़ा रहती है। और प्लस इसके अंदर विटामिन सी भी होता है, जो कि आपकी रिंकल्स फाइन लाइंस के लिए बेहतरीन कमाल का वर्क करता है। क्योंकि और विटामिन सी जो होता है ना, वो हमारी रिंकल्स के साथ साथ पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स वगैरह के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा, मैंने इसे छानने के बाद ना, मतलब इसके पानी में दोबारा से जो छान लिया था ना मैंने पल्प, इसके थोड़े से पल्प को भी डाल दिया था, और साथ ही कॉर्न स्टार्च डाला है मैंने 1 टेबल स्पून के करीब। अच्छा, ये चीज़ें ना हर घर में किचन में अवेलेबल होती है, तो परेशानी की बात नहीं है कि परेशान होना पड़े। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट हैं, बट जो कॉर्न स्टार्च होता है ना, ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए है, क्योंकि इसमें आप इसमें ये ताकत होती है कि आपकी स्किन से रिंकल्स को दूर करने के साथ साथ, स्किन को टाइट करने के साथ साथ आपकी स्किन को ब्राइट करता है, एंड आपकी स्किन को दिन ब दिन यंगर लुकिंग बनाता जाता है। तो है ना मज़े की बात। आपने 1 टीस्पून के इसमें कोकोनट ऑयल डालना है, ये भी हर घर में मिल जाएगा। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसकी अच्छी सी एप्लीकेशन करनी है। मैं तो जब काम भी कर रही होती हूँ ना, इसे बनाकर अपने फेस पे एप्लीकेशन कर लेती हूँ और दिन भर के काम भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि बैठ गई, क्योंकि टाइम मेरे पास भी नहीं होता। फेस पे लगाया, अप्लाई किया जल्दी जल्दी से, एंड बस अपने काम में लग गई। आई होप सो फ्रेंड्स कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरह से आपने अपने फेस पे इसकी एप्लीकेशन करनी है, एंड इंशाल्लाह इसके फर्स्ट यूज़ में ही आपको बेहतरीन कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। मुझे इजाज़त दीजिएगा इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, एंड अगर आप लोगों को बोरियत तो नहीं हुई ना, अगर बोरियत हुई तो मेरी और वीडियोस देख सकते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।